दोस्तों इस मोशन को कंटिन्यू करते हैं और अब हम एक्सेलरेशन के बारे में सीखेंगे। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है कि हम किस स्पीड से स्पीड को चेंज कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट को हम एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी स्पीड टाइम के साथ चेंज होती रहती है, यानी वो ऑब्जेक्ट एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। चलो अब ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाए। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। गोगी हेलमेट पहन के स्कूटी चला रहा था, उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड। उसने ब्रेक मारने शुरू किए, इससे रिटार्डेशन हुई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो ये बताओ गोगी की स्कूटी कितनी देर में रुकेगी? करो बालको, जल्दी करो, पेन चलाओ अपने अपने। अच्छा चलो हिंट दे देता हूँ, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। बढ़िया, आंसर है 8 सेकंड में। देखो गिवन क्या क्या है, स्कूटी की इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन होगी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है, और स्कूटी की फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि तब स्कूटी रुक जाएगी। तो एक्सेलरेशन निकालने वाली इक्वेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, जैसे हम ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी भी लिखते हैं। तो इधर से हम ये भी लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब वैल्यूज डालने पे टी हो जाएगा 0-40 अपॉन -5 जो कि होगा 8, और ऐसे हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है 8 सेकेंड।